जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु मालकमणि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो प्राचीन ज्ञान देते हैं जिस पर आपका अधिकार है। आप ही के पूर्वज ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को खोजा, आप सभी के लिए उन्होंने इसे छोड़ा। वो ज्ञान समय के साथ जैसे जैसे लुप्त हो गया, हम अपने जीवन में परेशानियों को और अनुभव करते रहे, लेकिन वही प्राचीन ज्ञान हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच लाते हैं ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर बना सके, हर परेशानी को दूर कर सके और स्वयं ही ईश्वर के और निकट जा सके। क्या आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा है जहाँ आप सोने को भी छुए तो वो मिट्टी हो जाए? क्या आपके जीवन में आज ऐसा समय चल रहा है कि अचानक से परेशानियां आपको घेरे हुए हैं? क्या इस समय ऐसा समय हो गया है जहां आप कोई भी काम करते हैं वो बन ही नहीं रहा? आज मैं आपको धातु का वो छल्ला जो आप अपने हाथ में पहन करके अपना बुरा समय भी अच्छे में परिवर्तित कर सकते हैं वो बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और उस धातु के छल्ले को बनवा करके अपने हाथ में पहनें ताकि आप अपने इन संकटों से बाहर आ सकें। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन, घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही उसकी मैसेज आपके मोबाइल पे अपने आप आ जाए। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर डेली का राशि फल भी आप देख सकते हैं। स्वामी राज ऋषि जी डेली आप सभी की राशियों के बारे में, आपके आज के सितारे के बारे में बताते हैं। उस राशि फल को देख करके वो साथ में उसमें उपाय भी बताते हैं, सावधानियां भी बताते हैं जो आपने नित्य ही प्रयोग करनी है। तो इसलिए आप राशि फल भी स्वामी राज ऋषि जी का नित्य ही सुबह देख करके अपने दिन का प्रारंभ करें। अभ्यर्थितस्तदातस्मै स्थानानि कलये ददौ धूतं पानं स्त्रियसूनौ यत्र धर्मश्चतुर्विदः। बहुत ही रोचक कहानी है। एक दिन राजा परीक्षित अपने शिविर से बाहर निकले कि उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल का जोड़ा आपस में स्त्री पुरुष की भांति बात कर रहे। बड़ी हैरानगी हुई। आपको भी हैरानगी हो रही होगी सुनके कि आपने कभी बैल को और कभी गाय को बोलते हुए सुना है मनुष्य भाषा में। लेकिन राजा परीक्षित के सामने ये आश्चर्यजनक घटना घटित हो रही थी कि एक गाय और एक बैल आपस में बात कर रहे। राजा परीक्षित को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, उस गाय बैल के पास जाकर के उनकी बातें सुन ली। पास से देखा तो उन्होंने पाया कि वो जो बैल था उसके तीन पैर नहीं थे, वो मात्र एक ही पैर पे खड़ा था। राजा परीक्षित को और आश्चर्य हुआ और वो समझ गए ये अवश्य ही कोई देव है जिन्होंने गाय और बैल का रूप धारण किया है। वो बैल कह रहे थे गौ माता से, हे देवी, तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों इतनी चिंतातुर हो? क्यों परेशान हो? क्या तुम मेरी दशा को देख करके रो रही हो? क्या तुम्हें स्वयं अपने आप ही कष्ट है? वो गाय और कोई नहीं, स्वयं पृथ्वी थी, और वो बैल और कोई नहीं, धर्मदेव थे। माता पृथ्वी धर्मदेव से बोली कि मैं क्या करूं धर्मदेव, आप ही देखिए कैसे कैसे दुष्ट मुझ पर जन्म लिए जा रहे हैं, हर ओर अधर्म बढ़ रहा है, लोग कैसे होते जा रहे हैं, इन्हें मनुष्य कहने में भी मुझे लज्जा आती। आपको भी देखो, इस कलयुग के फेर से आपके तीन चरण लुप्त हो गए, गायब हो गए, और मात्र एक चरण पे आप खड़ी हैं, एक पैर पे खड़े हैं, और वो भी कलयुग आपसे छीन लेना चाहता है। इसी दुर्दशा को देख कर कि मैं व्याकुल हूँ। सतयुग में धर्म के चार पैर थे, यानी कि चार स्तंभों पे धर्म खड़ा था, तप, पवित्रता, दया और सत्य। सबसे पहला जो धर्म का चरण था वो था तप, यानी कि स्वयं को जलाकर के भी दूसरे को सुख देना। जैसे एक दीपक जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य, वैसे ही धार्मिक सज्जन लोग स्वयं कष्ट भोग करके भी दूसरों को प्रसन्नता देते थे। आज कलयुग में इसका बिल्कुल विपरीत हो चुका है। लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि उन्हें सबसे प्रथम अपना सुख चाहिए और कोई भी कष्ट भोगना ही नहीं चाहता। दूसरा जो धर्म का चरण था, जिस पर धर्म टिका था, वो था पवित्रता, यानी कि
बाहर और भीतर बिल्कुल साफ, एक पारदर्शी शीशे की तरह जो भीतर है वही बाहर है। लेकिन आज इस कलयुग के फिर से लोगों के मन में कुछ और है, लोगों के बाहर कुछ और है। वो कहते कुछ और है लेकिन उनके मन में जल कुछ और रहा, उनके अंदर सफाई नहीं है। बहुत से मित्र बनने का प्रयास करते हैं, ढोंग करते हैं, लेकिन अंदर इतनी ईर्ष्या से भरे हैं कि उनसे आपकी खुशी देखी नहीं जाती। और बाहर आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आपको बधाइयां देते हैं, परंतु भीतर ही इतनी ईर्ष्या है कि मन करता है कि कब आप अपने स्थान से गिरो। ऐसे में जहां पवित्रता नहीं है मनुष्य के हृदय में, वो स्वयं अपना ही चेहरा ठीक से नहीं देख सकता, तो ईश्वर को प्रतिबिंबित होते हुए कैसे देखेगा? जो ईश्वर उसके अंदर ही है वो उसको फल कैसे देगा? तीसरा जो धर्म का चरण था, जिस पर धर्म खड़ा था, वो था दया। मनुष्य के अंदर हर जीव, हर प्राणी, पेड़ पौधे के लिए दया थी। आयुर्वेद में भी अगर आपको पता हो तो किसी भी पौधे से तोड़ने से पहले, किसी भी पत्ती को तोड़ने से पहले, फूल को तोड़ने से पहले उनको प्रणाम किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है। हर किसी के प्रति संवेदनशील हुआ करते थे सत्ययुग में लोग, इसी पर धर्म खड़ा था। हर जीव के प्रति, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी हो, कोई कीड़ा हो, सबके प्रति दया की भावना थी। लेकिन आज हमें मनुष्य होकर मनुष्य पर कोई दया नहीं आती। मैंने अभी सुना है, टीवी पे न्यूज आ रही थी कि एक दिन बाजार में, दिल्ली की घटना है, एक व्यक्ति ना जाने किस कारण, कोई बीमारी हो सकती है या अचानक से उसको चक्कर आया, वो जमीन पर गिर गया। भरे बाजार में कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, सब उसके अगल बगल से निकल रहे हैं, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। सीसीटीवी में ये पूरी रिकॉर्डिंग कैद है। उसी समय वहां से एक व्यक्ति निकला, किसी वाहन पे था, ऑटो या टेम्पो किसी चीज पे था, और उतर करके वो उस आदमी के पास गया। सीसीटीवी में ये सब रिकॉर्डिंग है और न्यूज पे ये आ रहा था। और जाकर के उस आदमी ने सबसे पहले जो बेहोश व्यक्ति है उसके जेब में हाथ डाला और उसका मोबाइल निकाल लिया। फिर दूसरी तरफ गया, दूसरी जेब में हाथ डाला, उसका पर्स, उसके पैसे सब निकाल लिए और वहां से भाग गया। उसकी सहायता तो करना दूर, उसकी और दुर्गति करके चला गया। तो हमें मनुष्य होकर आज मनुष्य पे दया नहीं आती, तो धर्म कलयुग में कैसे इस चरण पे खड़ा रहे? लेकिन जो चौथा चरण है, जिस पर कलयुग में भी धर्म खड़ा है, खड़ा रहेगा, वो है सत्य। अब आप कहेंगे तो लोग तो इतने झूठे हैं, तो सत्य पे कैसे धर्म टिक सकता है? आपके सत्य पे धर्म नहीं टिका। आप झूठ बोलो, आप सत्य बोलो, उससे धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म था, धर्म है, धर्म रहेगा। ईश्वर का अस्तित्व ही धर्म है, ईश्वर का होना ही धर्म है। वो थे, वो है और वो रहेंगे, यही सत्य है। और इसी सत्य पे धर्म खड़ा है। आप मानो ना मानो, ईश्वर को मानो ना मानो, धर्म को मानो ना मानो, लेकिन फिर भी धर्म था, धर्म है, धर्म रहेगा और यही सत्य है। और इसी सत्य पे धर्म खड़ा है। इस प्रकार से सूर्य उदय होता है और आप कहें कि हम तो नहीं मानते कि सूर्य है, हम तो नहीं मानते कि सूरज होता है, तो उससे सूर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो रोजाना ही उगता है और अस्त होता है। इसी प्रकार से धर्म को आपके सत्य से, आपके झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका होना मात्र ही सत्य है। और आप माने ना माने, उस सत्य हमेशा रहेगा। हम जैसे न जाने कितने गुरु जन, ज्ञानी जन, संत लोग हुए, आज है और कल हमारे जाने के बाद भी कितने होंगे, धर्म को ना कोई हानि हुई है ना कोई हानि हो सकती। राजा परीक्षित दोनों गाय और बैल की वार्तालाप सुन रहे थे कि अचानक से उन्होंने देखा कि एक काला मनुष्य, बहुत मोटा तगड़ा, उसके हाथ में डंडा था, लाल लाल आंखें थी, काला उसका रूप था, वो आया और उन गाय और बैल के जोड़े पर वो डंडे से प्रहार करने लगा। राजा परीक्षित से ये सहन नहीं हुआ और उसके ऊपर तलवार डाल दी। वो और कोई नहीं, कलयुग था। वो रोते हुए राजा परीक्षित के चरणों में गिरा और कहने लगा कि आप मुझे क्षमा करें। राजा परीक्षित ने कहा कि तू मेरे राज्य में ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता है, इसलिए तू यहां से चला जा। महाराज,
ये मेरा स्वभाव है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या खोट है, मुझे कोई ऐसे स्थान दें जहाँ मैं आपके राज्य में निवास कर सकूं। तब राजा परीक्षित जी ने उसको चार स्थान दिए। धूतं पानं श्रेयसोना यत्र धर्मश्चतुर्विदः। चार स्थान राजा परीक्षित जी ने दिए। सबसे पहला जहाँ झूठ बोला जाता हो, जहाँ सट्टा खेला जाता हो, व्यू ताले हो, वहां कली को रहने का स्थान दिया। दूसरा जहाँ मदिरा पान हो, जहाँ व्यक्ति नशे में हो, वहां उसको स्थान दिया। तीसरा स्थान दिया जहाँ स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो, दुराचार हो, वहां उसे स्थान दिया। हिंसा जहाँ होती हो वहां कलियुग को स्थान दिया। इन चारों स्थानों को पाने के बाद भी कली कहने लगा, महाराज मुझे कम से कम एक स्थान और दें जहां मैं निवास कर सकूं। तब राजा परीक्षित ने सोना स्वर्ण में उसे निवास दिया, लेकिन कहा कि हर सोने में नहीं, तो उस सोने में वास करेगा जो इन्हीं चार मार्गों से आए, यानी कि सत्या इत्यादि, झूठ से कमाया हुआ धन, अधर्म से कमाया हुआ धन, अधर्म से कमाया हुआ सोना, घमंड में आकर के जब भी व्यक्ति नशे में चूर होगा, ऐसा धन उसके नाश का कारण होगा, वहां तो कली वास करना। जहां आवश्यकता से अधिक वासनाएं हो, कामनाएं हो, इच्छाएं हो, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, वहां भी कली तो वास करना, वहां से कमाया हुआ धन सोने में तो वास करना। और जहां हिंसा हो, जहां लोग एक दूसरे से परस्पर लड़ते हो, एक दूसरे से वैर भाव रखते हो, वहां भी तो वास करना, और ऐसे जिन मार्गों से धन आए, ऐसे मार्गों से धन आए, वहां तो वास करना, उससे कमाए हुए सोने में तो वास करना, और तुझे वहां से कोई भी हटा नहीं पाए। तब से कली यानी कलियुग इन पांचों स्थानों पे वास करने लगे, और यही वो कारण है इन स्थानों से कमाया हुआ धन, इस कार्यों से कमाया हुआ धन, अधर्म से कमाया हुआ धन या सोना कभी भी टिकता नहीं। वो धन चला जाएगा, वो सोना चला जाएगा, घूम जाएगा, खो जाएगा, या हो सकता है कि आपसे कोई वो छीन ले, लूट ले, ठगी हो जाए, लेकिन ऐसा धन, ऐसा सोना कभी भी आपको फलेगा नहीं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि हम जब भी कमाएं, अधर्म से धन ना कमाएं, धर्म से कमाएं, ताकि उसमें बरकत हो, वृद्धि हो। चलिए बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। धातु विज्ञान हमारे देश में बहुत प्राचीन है। राजे महाराजे इस धातु का लाभ लेने के लिए ही वो खाना या तो लोहे के बर्तनों में या पीतल के बर्तनों में पकवाया करते थे, ताकि उनको धातु का लाभ प्राप्त हो, और खाने के लिए सोने और चांदी की थाली का प्रयोग किया करते थे। आज भी अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग से मिलें, तो वो आपको बताएंगे कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, रक्त की कमी है, खून की कमी है, तो आप अपनी सब्जी को, अपने खाने को लोहे की कढ़ाई में पकाएं। इससे आपके अंदर आयरन की जो कमी है वो पूरी होती है। ज्योतिष में भी धातु को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। अगर आपको लगता है कि आपका समय अब तक तो अच्छा चल रहा था, आपको कोई परेशानी नहीं थी, आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से यापन कर रहे थे, लेकिन अचानक से कोई समय बदला है, अचानक से कुछ ऐसा है कि अब आपको नुकसान भी नुकसान हो रहा है, तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रह खराब तो नहीं थे, लेकिन अब कोई ऐसा समय आ गया है जिसके कारण आपको नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि के अनुसार अपने आप को मजबूत करें, ताकि आपको ये बुरे ग्रह का प्रभाव ना पड़े और आपके अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपको निरंतर मिलता जाए। उसके लिए आप अपने हाथ में धातु का छल्ला अवश्य ही धारण करें। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कौन सी धातु का छल्ला धारण करना है, किस हाथ में और किस उंगली में उसे धारण करना है, ताकि आपका बुरा समय भी अच्छा हो जाए। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। अगर आपकी राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियन है, तो आप अपने सीधे हाथ के अंदर अनामिका उंगली में तीसरी उंगली वेडिंग फिंगर के अंदर आप एक तांबे का छल्ला धारण करें। इस छल्ले को धारण करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा, अपने आप में मजबूती आएगी और आपका बुरा समय भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसे मंत्र सिद्ध कराएं तो ये अति उत्तम है, आपको और भी शुभ फल प्रदान करें। इस छल्ले को मंत्र सिद्ध कराने के लिए आप किसी ऐसे विद्वान या ज्ञानी पुरुष को ढूंढें जिन्होंने कम से कम नवग्रह मंत्रों को 5.25 लाख बार
जप किया हो और उसके पश्चात उसका विधिवत पूजन हवन किया हो और उसके पश्चात निरंतर वो उसकी साधना करते हो, कम से कम एक माला तो डेली करते हो, ऐसे योग्य पुरुष ही आपकी किसी भी अंगूठी को या छल्ले को अभिमंत्रित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि अभी नहीं पहले से कहीं समय से, यानी मान लीजिए कुछ 3-4 सालों से या उससे भी ज्यादा से आपका समय खराब चल रहा है, तो आप निश्चित जानिए कि आपकी जन्म कुंडली के ग्रह खराब। इसके लिए आप अपने ग्रहों के हिसाब से अपना उपाय करें तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। उसके लिए आप मुझसे अथवा हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी जन्म कुंडली चेक करवा सकते हैं। जन्म कुंडली चेक करवाने के लिए हमारे यहाँ एक छोटी सी फीस लगती है जो कि हमारे शनि पीठ मंदिर की व्यवस्था को चलाने के काम आती है और जो हम सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं उसमें प्रयोग की जाती है। जैसे कि हम महायज्ञों का आयोजन करते हैं, समय समय पर हम जो गरीबों के बीच में अन्नदान करते हैं, लंगर सेवा इत्यादि होती है, हर शनिवार को जो हलवे का प्रसाद वितरण किया जाता है उसमें ये प्रयोग की जाती है, और जो मैं लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देती हूँ, हमारा जो ऋषि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों को डिप्लोमा देते हैं और उनको फ्री कंप्यूटर का कोर्स कराते हैं, वेब डिजाइनिंग मल्टीमीडिया का, और उन्हें स्कॉलरशिप भी देते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और अपने जीवन में कुछ कर सके, तो उन सभी के लिए ये फीस प्रयोग की जाती है। तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के माध्यम से सेवाओं में भी सहयोग कर सकते हैं। आप सभी को अपना आशीर्वाद देते हो। ईश्वर आप सभी के जीवन में सुख और शांति दे, आप सभी के जीवन में उन्नति दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय शनि। क्या आप अपने विवाहित जीवन से सुखी नहीं है? क्या आप पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई है? क्या आपके घर की शांति सास ससुर या नंद के कारण खराब हो रही है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें